प्यारे बच्चों, आज हम क्लास ट्वेल्थ में एक्सरसाइज 5.7 में क्वेश्चन नंबर 6 संख्या हमारी y इक्वल टू ex इंटू साइन 5x, ex इंटू साइन 5x, ये हमारी संख्या है। क्या करेंगे, x आप अवकलन करने पर दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx ब्रैकेट में ex इंटू साइन 5x। इसको मान लेंगे हम फर्स्ट, इसको मान लेंगे सेकंड। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंस फर्स्ट, ये लगाएंगे फॉर्मूला d अपॉन dx p इंटू क्यू, पहला लगाएंगे तो आ जाएगा p इंटू d अपॉन dx सेकंड q प्लस सेकंड इंटू d अपॉन dx p फर्स्ट, ये बार लगाएंगे क्या हो जाएगा, ex इंटू d अपॉन dx साइन एक्स मतलब साइन 5x प्लस सेकेंड साइन 5x इंटू डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट मतलब ई एक्स, क्या हो जाएगा ई एक्स, हम इसको मान लेंगे बेटा 5x को x मान लेंगे क्योंकि फॉर्मूला हमारा साइन x में होता है लेकिन यहाँ x के स्थान पर 5x आ रहा है, इस वजह से हमने 5x को x मान लिया, तो क्या हो जाएगा साइन x का फॉर्मूला क्या होता है cos x, क्या हो जाएगा cos x, x के साथ में लिखेंगे 5x, ठीक है, इंटू d अपॉन डी एक्स जिसको हमने x माना था, जिसे हमने x माना था 5x को हमने x माना था, तो इसलिए हम इसको दोबारा करेंगे अवकलन के रूप में लिखेंगे प्लस ऐसे ही हम साइन 5x इंटू ई एक्स का होता है हमारा वाला अवकलन में ई एक्स, अब ई एक्स इंटू cos 5x इंटू 5x का 5% है, x का वन हो जाएगा इसी तरह से लिख रहा हूँ मैं इंटू 5 या साइन वाला बन जाएगा इंटू 5 प्लस ई एक्स साइन एक्स साइन 5x इंटू ई एक्स, ये हो गया 5 को आगे लिख लेंगे 5 ई एक्स इंटू कॉस 5x प्लस ई एक्स इंटू साइन 5x, ये हो गया ई एक्स इंटू साइन 5x। अब देखो हमारा ये ई एक्स क्या है, ई एक्स साइन 5x, ई एक्स साइन 5x ये हमारा वाई के बराबर है, तो यहां हम लिख देंगे वाई ई और ये ई एक्स इंटू कॉस 5x प्लस यहां लिख देंगे हम वाई, क्लियर हो गया, हमारा वाई मानने से आसान हो जाएगा इस वजह से हमने इसको बाई मान लिया, क्लियर हो गया, तो ये हो गया हमारा, यहां हो गया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स और ये भी हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स सेम है, ठीक है, हमारा डी वाई डी एक्स का मान ये आ गया, ठीक, अब द्वारा करना है इसका अवकलन, लिखेंगे एक्स आप द्वारा अवकलन करने पर, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं समझने में, नेक्स्ट कर रहा हूं मैं, इसके आगे कर रहा हूं, यह लिखेंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष पुनः मीन्स द्वारा पुनः अवकलन करने पर एक दिया क्या हो जाएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, हमारा ये जो आया
या तो इसको लिख दो या इसको लिख दो, किसी को लिख दो। चलो हम इसको लिख देते हैं, पहले वाले को लिखते हैं, तो मैं डिस्टर्ब हो तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया हमारा ये ए, ठीक है। क्या लिख देंगे, फाइव ई एक्स इंटू कॉस फाइव एक्स प्लस ई एक्स इंटू साइन फाइव एक्स, ठीक है। इसका हम करने द्वारा उपरण क्या लिखेंगे, इसको हम द्वारा ऐसे ही ब्रैकेट खोल देंगे, फाइव डी अपॉन डी एक्स ई एक्स इंटू कॉस फाइव एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ई एक्स इंटू साइन फाइव एक्स। इसको एक बार और लिखते हैं, सही डी अपॉन डी एक्स ई एक्स इंटू कॉस फाइव एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स। ये क्या है, देखो ये हमारा वाई के बराबर है, तो यहां लिख दिया डी वाई अपॉन डी एक्स, क्लियर हो गया। अगर इसको वाई ही माने तो पहले की तरह पूरा दोबारा करना पड़ेगा, फर्स्ट मान के सेकंड मान के लंबा पड़ेगा, हम सीधा सीधा इसके स्थान पर ये वाला लिख देंगे, क्योंकि हमारा वहां डीवाई कैसा आया था, तो इसको हम इसके स्थान पर सीधा लिख देंगे। अब इसका करेंगे, हर द्वारा अभी आ जाए कॉन्स्टेंट है, फर्स्ट सेकंड मान लेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे, क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी अपॉन डी एक्स सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट, ये हो गया। प्लस इस डीवाई डी एक्स के स्थान पर, क्योंकि ये बारह मान डीवाई डी एक्स आया था नीचे, ठीक है, तो इसके स्थान पर हम ये सीधा सीधा लगा देंगे, क्या हो जाएगा, फाइव ई एक्स कॉस फाइव एक्स प्लस ई एक्स इंटू साइन फाइव एक्स, क्लियर हो गया। यूएल एक्स के स्थान पर हमने ये लगा दिया। अब इसका करेंगे फाइव ई एक्स, यहां फाइव एक्स, इसको फाइव एक्स को एक्स मान लेंगे, तो क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स फॉर क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस को हम आगे लगा दें, माइनस यहां लगा दिया और ये जाएगा साइन फाइव एक्स, साइन फाइव एक्स इंटू हमने इसको एक्स माना था, इसका द्वारा करेंगे अवकलन डी अपॉन डी एक्स फाइव एक्स, ठीक है, प्लस कॉस फाइव एक्स इंटू ई एक्स का ई एक्स ही होता है, रेड कम कर दिया और इसको हमने ऐसे लिख दिया, क्या हो जाएगा, फाइव ई एक्स कॉस फाइव एक्स प्लस ई एक्स साइन फाइव एक्स। और इसका वैल्यू खोलेंगे, इसका वैल्यू कर लें, फाइव माइनस ई एक्स साइन फाइव एक्स इंटू फाइव एक्स का फाइव का फाइव तो कॉन्स्टेंट है, एक्स का कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा सीधा सीधा फाइव प्लस कॉस फाइव एक्स इंटू ई एक्स बंद हो गया, प्लस फाइव ई एक्स कॉस फाइव एक्स प्लस ई एक्स साइन फाइव एक्स, ये हो गया। अब इसका वैल्यू खोलेंगे, ये हो जाएगा फाइव माइनस साइन आगे आ जाएगा, माइनस फाइव और फाइव ट्वेंटी फाइव हो जाएगा, ट्वेंटी फाइव ई एक्स इंटू साइन फाइव एक्स प्लस फाइव में यहां जाएगा फाइव ई एक्स कॉस फाइव एक्स प्लस, यहां तो वैल्यू खुल गया हमारा। अब उसको करेंगे फाइव ई एक्स इंटू कॉस फाइव एक्स प्लस हो जाएगा ई एक्स इंटू साइन फाइव एक्स, ठीक है। अब देखो ये ई एक्स साइन फाइव एक्स और ये ई एक्स साइन फाइव एक्स, ये माइनस के ट्वेंटी फाइव है और ये प्लस के वन है, क्या हो जाएगा, इधर लिख रहा हूं मैं इसको, ये हो जाएगा माइनस के ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फाइव में से वन माइनस करेंगे ट्वेंटी फाइव सॉरी ट्वेंटी फोर ई एक्स और साइन फाइव एक्स, ये हो गया। अब इसको देखो, ये पूरा याद रखिए, ई एक्स कॉस फाइव एक्स, ई एक्स कॉस फाइव एक्स,
ये फाइव है, ये फाइव है, टेन हो जाएगा प्लस के टेन ई एक्स कॉस फाइव एक्स। कॉमन ले लेंगे यहां से, कॉमन आएगा हमारा टू ई एक्स, कॉमन आ जाएगा कैसे क्या हो जाएगा माइनस के ट्वेल्व साइन फाइव एक्स प्लस टू फाइव या टेन कॉस कॉस फाइव एक्स। ये हमारा आंसर हो गया, चाहो उसको पहले लिख दो, उसको बाद में लिख दो, क्या हो जाएगा टू ई एक्स फाइव कॉस फाइव एक्स माइनस ट्वेल्व साइन फाइव एक्स। ये हमारा आंसर हो गया। कहने का मतलब डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा लंबा पड़ता है बस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस थोड़े से लंबे पड़ जाते हैं, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं इनमें, न कोई ज्यादा विशेष फॉर्मूला है, ज्यादा कोई फॉर्मूला कठिन हो। ठीक है, लंबे इसलिए पड़ जाते हैं, इसका दो बार करना है अपना हमको। और नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन, सेवन का वाई इक्वल टू ई की पावर सिक्स एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स। ये हमारा संख्या है ई की पावर सिक्स एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स। जैसे अभी क्या था लोगों से, उसी तरह से वहां साइन था, और इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, फिर लिखेंगे एक्स का अवलोकन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में ई सिक्स एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स। ये लिख दिया, अब इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, जो पहले मैंने बोल दिया था, क्या लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन ई सिक्स एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स कॉस थ्री एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ई की पावर सिक्स एक्स। ये हो गया, अब करेंगे इसका अवकलन ई की पावर सिक्स एक्स। अब लेना यहां देखो थ्री एक्स को हमने एक्स मान लिया, तो फॉर्मूला होता हमारा कॉस एक्स का, तो एक्स के साथ थ्री एक्स आ रहा है, इसीलिए थ्री एक्स को एक्स मान लिया, क्या हो जाएगा माइनस साइन थ्री एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स थ्री एक्स। हम इसको बैक में ले सकते हैं, या हम इसको ऐसे ले सकते हैं माइनस आगे लगाने से सीधा माइनस ई की पावर सिक्स एक्स और साइन थ्री एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स थ्री एक्स, ऐसे ले सकते हैं, चाहे तो इसको बैक में ले लो, चाहे उसको माइनस आगे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कर सकते हैं हम। अब आगे यहां तक हो गया प्लस कॉस कॉस थ्री एक्स इंटू फॉर्मूला होता हमारा ई एक्स का, लेकिन यहां तो सिक्स एक्स है, एक्स के स्थान पर सिक्स एक्स है, तो हम सिक्स एक्स को एक्स मान लेंगे, और ई एक्स का होता ई एक्स इंटू ई पावर सिक्स एक्स इंटू एक्स, हमने सिक्स एक्स को एक्स माना था, इसलिए हमने सिक्स एक्स का दोबारा किया अपना। ठीक है, अब मान सब आगे ले लेते हैं, माइनस ई की पावर सिक्स एक्स इंटू साइन थ्री एक्स इंटू थ्री एक्स, थ्री तो हमारा आगे आ जाएगा, एक्स कॉमन हो जाएगा, तो हो गया इंटू थ्री प्लस कॉस थ्री एक्स इंटू ई की पावर सिक्स एक्स इंटू सिक्स का सिक्स आगे आ जाएगा, एक्स कॉमन हो जाएगा इंटू सिक्स, थ्री को आगे ले लेते हैं तो माइनस के थ्री ई की पावर सिक्स एक्स इंटू साइन थ्री एक्स प्लस सिक्स को आगे ले लेते हैं और ई की पावर सिक्स एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स। ये हो गया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, क्लियर हो गया। अब लिखेंगे एक्स अवकलन करने पर पुनः पुनः मीन्स द्वारा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने
द्वारा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स और ब्रैकेट लेंगे माइनस के थ्री ई की पावर सिक्स एक्स इंटू साइन थ्री एक्स प्लस सिक्स ई की पावर सिक्स एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स ये हो गया। अब इसको खोलेंगे ब्रैकेट को जैसे पहले खोला था क्या हो जाएगा माइनस थ्री माइनस थ्री एक्स आगे लिखेंगे माइनस के थ्री एक्स डी अपॉन डी एक्स ई की पावर सिक्स एक्स इंटू साइन थ्री एक्स ये हो गया इंटू प्लस अब सिक्स को आगे लिख लिया डी अपॉन डी एक्स ई सिक्स एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स। अब देखो ये हमारा ई की पावर सिक्स एक्स कॉस थ्री एक्स है ई की पावर सिक्स एक्स कॉस थ्री एक्स है इसको क्या है बाई है ये तो हम इसके स्थान पर यहां बाई लिख देंगे क्या हो जाएगा माइनस के थ्री डी अपॉन डी एक्स चाहो तो इसको भी कर दो फर्स्ट सेकंड मान के फर्स्ट सेकंड ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड हो गया क्या हो जाएगा माइनस के थ्री ब्रैकेट लेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू डी अपॉन डी एक्स सेकेंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट ये हो गया फर्स्ट फंक्शन इंटू डी सेकेंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डी फर्स्ट और हमने इसके स्थान पर लिख दिया इसके स्थान पर लिख दिया ऊपर से बाई क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स क्लियर हो गया। अब आगे करेंगे इसको चलो घर कर रहा हूं ये है हमारा माइनस के थ्री माइनस के थ्री ये ई की पावर सिक्स एक्स इंटू इसको हम मान लेंगे एक्स क्यों फॉर्मूला हमारा साइन एक्स का होता है तो इसको हमने एक्स मान लिया क्या हो जाएगा साइन एक्स तो क्या होता है कॉस एक्स कॉस थ्री एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स थ्री एक्स ये बस ये ध्यान रखना है इस सवाल क्वेश्चन में कि जिसको हम एक्स मानते हैं उसका दोबारा करना है ठीक है तो ये हो गया थ्री एक्स माना था हमने तो दोबारा कर दिया थ्री एक्स अब आगे प्लस साइन थ्री एक्स इंटू फॉर्मूला होता हमारा ई एक्स लेकिन यहां सिक्स एक्स है इसके स्थान पर तो हमने इसको सिक्स एक्स को एक्स मान लिया तो ई एक्स क्या होता है ई एक्स ई की पावर सिक्स एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स सिक्स एक्स ये हो गया प्लस सिक्स डीवाई डी एक्स जो कहा क्या आया डीवाई डी एक्स का मान ये आया तो हम इसके स्थान पर ये लगा देंगे पूरा पूरा ठीक है क्या है ये सिक्स आगे रहेगा बैठक में लिखेंगे इसको माइनस के थ्री ई की पावर सिक्स एक्स इंटू साइन थ्री एक्स प्लस सिक्स ई की पावर सिक्स एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स ये हो गया। और उसको बैकेट खोल देंगे देखो पहले थ्री अगला कर दें इसका थ्री ई की पावर सिक्स एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स इंटू थ्री एक्स एक्स का थ्री तो आगे रहेगा एक्स का वन हो जाएगा इंटू थ्री हो गया प्लस साइन थ्री एक्स इंटू ई की पावर सिक्स एक्स ऐसे सिक्स आगे आ जाएगा एक्स का वन हो जाएगा इंटू सिक्स हो गया एक बैक तो ये हो गया हमारा यहां तक और प्लस इसका अगर खोल देंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा यहां माइनस छत्ती अठारह ई सिक्स एक्स इंटू साइन थ्री एक्स प्लस सिक्स इंटू सिक्स थर्टी सिक्स ई एक्स ई सिक्स एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स ये हो गया। अब इसका अगर खोलेंगे माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा थ्री थ्री या नाइन हो जाएगा ये नाइन ई की पावर सिक्स एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स माइनस इंटू प्लस माइनस इंटू प्लस ई माइनस हो जाएगा तीन छह अठारह
की पावर 6x इंटू साइन 3x माइनस 18 ई की पावर 6x इंटू साइन 3x प्लस ये आएगा 36 ई की पावर 6x इंटू कॉस 3x। ये हो गया, इसको मिटा दूं मैं। ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन जो किया हमने अभी देखो सेम है। अब देखो e की पावर cos 3x ये है एक तुम्हारा और e की पावर 6x cos 3x ये हमारा दोनों सेम है। ये माइनस का है और ये प्लस का है तो 9 माइनस का 36 प्लस का क्या बचेगा हमारा, ये बचेगा हमारा 27 e की पावर 6x इंटू cos 3x ये बचा। अब देखो इसमें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम है बिल्कुल, ये e की पावर 6x साइन 3x और e की पावर 6x साइन 3x ये माइनस दोनों माइनस माइनस के हैं तो प्लस हो जाएगा माइनस के 36 e की पावर 6x इंटू साइन 3x। अब यहां से क्या कमाना है 9 और e की पावर 6x ये आ जाएगा e की पावर 6x यहां से क्या बचा 9 की 27 3 cos 3x माइनस 9 की 36 sin 3x ये हमारा बचा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं।